ज़िला मोगा विच साल 2016-2017 दे लई मोगा ज़िले विच शराब दे 31 ग्रुपां ने जिन्हां विचों 236 देसी शराब अते 57 अंग्रेजी शराब दे ठेकियां दी बोली मार्च 2016 विच करवाई गई सी जिस दी लाइसेंस फीस हर महीने हर ठेकेदार नूं करवाउणी पैंदी है पर अगस्त 2016 दे बाद करीब 19 ग्रुपां दी फीस जमा नहीं हुई है। इन्हां ग्रुपां विच 120 देसी अते 41 अंग्रेजी शराब दे ठेकियां दे ठेकेदारां दे वल्लों करीब 16 करोड़ रुपया बकाया जमा करवाना हजे भी रहिंदा है। एक्साइज विभाग दे वल्लों इन्हां ठेकेदारां नूं कुछ समय दी महूलत भी दित्ती गई सी पर फिर भी इन्हां लोकां ने यह लाइसेंस फीस दी राशि जमा नहीं करवाई जिस नूं लैके मोगा एक्साइज विभाग ने 161 शराब दे ठेके सील कर दिते ने। कारण तो जैसे आप पहले ही अखबारों में इतना पढ़ रहे हैं कि लाइसेंस फीस अगस्त से ही इनकी नहीं आई। ये सिंडिकेट के ही ठेके हैं, 160 ठेके सील किए गए हैं और इनकी जो इन्होंने मंथली लाइसेंस फीस भरनी थी वो नहीं आई। वो अगस्त की कुछ 2.5-3 करोड़ का अगस्त का रहता है, बाकी सितंबर और अक्टूबर 1.25 करोड़ लगा लो पर मंथ, 12.5 ये हो गया और मान लो 15 करोड़ रुपया लाइसेंस फीस है, 4 करोड़ रुपया हमारा उसके बाद स्पेशल लाइसेंस फीस भी हो जाएगा। तो वो है इनकी तरफ रहने रिकवरी नहीं हुई अभी, तो वी वर वेटिंग, नाउ वी हैव स्टार्टेड टू रिकवर द अमाउंट बाय यूजिंग एज पर लॉ। सर ये मंथली फीस कितने दिन में जमा करानी होती है इन्होंने? मंथली फीस तो जी ये बाय द एंड ऑफ मंथ होता ही, और अगर अदरवाइज 15 दिन बाद नेक्स्ट मंथ में विद इंटरेस्ट देना होता है। तो उसके बाद क्या कार्रवाई होती है सर? तो उसके बाद तो अब आपको मैंने जैसे बताया कि कार्रवाई तो थोड़ी सी वो होती है, नेगेटिव साइड होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट के भी पहले जब चढ़ाए गए थे ये ठेके तो लॉसेज वर इनकर्ड लास्ट ईयर, ड्यू टू दैट फैक्ट के इनको थोड़ा सा लीवरेज दिया गया कि रिकवरी हो जाएगी, आ जाएगी। तो बंद सील अगर सील कर दें तो जो सेल आती है उसमें वो रिकवरी वो भी हमारी नहीं आनी थी, तो इसलिए हमने उनसे उनको थोड़ी सी लीवरेज दी। अदरवाइज नाउ जब टाइम निकल गया, अब हमें लगा कि भी ये तो दे आर जस्ट बाइंग द टाइम, तो हमने इनको सील कर दिया। अब जो सरकार का जितना रेवेन्यू लॉस जितना इनकी तरफ खड़ा है वो विद इंटरेस्ट उनसे प्रोक्योर किया जाएगा। इनकी हमारे पास 12% अमाउंट है इनकी पहले ही, वो तकरीबन 10 करोड़ के लगभग बनती है जो जब लाइसेंस जारी हुए थे मार्च में। बाकी हम उनकी अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट जो भी प्रोसीजर होगा, जो प्रॉपर्टीज जैसे भी होगा, बैंक अकाउंट अटैच करके या जो भी हमारा बन पाएगा। मोगा तो हरपाल सिंह की रिपोर्ट, जगत सेवक, वेब टीवी।